वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम चैप्टर 14. इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी किस प्रकार हम छत के पानी को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं. आज हम बात करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग के आसपास जो ओपन स्पेस होता है वहाँ के रेन वाटर को हम किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं. द रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग्स इन सिटी इज डन बाय कंस्ट्रक्टिंग प्री कोलेशन पिट्स कवर्ड विथ कंक्रीट स्लैब. यानी कि शहरों में क्या किया जाता है कि जो ओपन स्पेस होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े पिट्स बनाए जाते हैं और उन्हें स्लैब से ढक दिया जाता है देम एंड कनेक्टेड टू द रिचार्ज वेल थ्रू अ पाइप, और उसे एक रिचार्ज वेल के साथ कनेक्ट कर दिया. द रिचार्ज वेल इज अबाउट 1 मीटर इन डायामीटर एंड 3 मीटर डीप, यानी कि 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा होता है. एंड देन रेन वाटर द रेन वाटर फॉलिंग इन ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग गोज इन टू द प्री कोलेशन पिट थ्रू द होल्स इन इट एंड कंक्रीट स्लैब कवर्ड. यानी कि जो कंक्रीट स्लैब का जो स्लैब जो कवर किया जाता है उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके कारण बारिश का जो खुले में जो पानी गिरता है वो बह के उस पिट के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर फिल्टरेशन इन प्री कोलेशन पिट द रेन वाटर एंटर्स इन रिचार्ज वेल थ्रू द आउटलेट पाइप एंड ग्रेजुअली सीप्स इन टू द सॉइल. यानी कि पानी जो है फिल्टर होने के बाद वो रिचार्ज वेल के थ्रू जो आउटलेट पाइप होती है यानी उसके बाहर जो पाइप लगी होती है उसके द्वारा वो मिट्टी में सिप करता है यानी कि एब्जर्व हो जाता है. प्लीज़ नोट दैट द पर्पज़ ऑफ रिचार्ज वेल इज़ टू कलेक्ट द वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड क्विकली व्हेन इट रेन्स एंड देन मेक इट सिप इनटू द सॉइल ग्रेजुअली. द मेन पर्पज़ ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ नॉट टू होल्ड द रेन वाटर on the surface of the earth but to make the rain water percolate under the ground more efficiently so as to recharge ground water. यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन पर्पज़ ये नहीं होता है कि हम बारिश के पानी को ऊपरी सतह पे ही सुरक्षित रखें. उसका एक और कारण कि हम पानी को percolate करके अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें उसको हम रिचार्ज करें, यानी उसको हम रिचार्ज कर लेंगे तो दोबारा से हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं. दिस अंडरग्राउंड वाटर कैन देन बी टेकन आउट थ्रू ट्यूब वेल्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज दैट इट टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एंड हेल्प्स इन ओवरकमिंग वाटर शॉर्टेज. वी आर नाउ इन सो चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर था आपका वो एंड हो चुका है. लेट अस सी इन द फिगर हाउ इट वर्क्स. इसमें भी ठीक बिल्कुल वैसे ही एक प्री कोलेशन पिट्स बनाए गए हैं, उसके ऊपर से एक कंक्रीट स्लैब जिसमें बहुत सारे होल्स हैं. जब रेन वाटर बारिश जब होती है तो ये पानी इसमें फिल्टर होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसके कारण पानी फिल्टर होकर जो आउटलेट पाइप है फिर उसको हम दूसरे कंक्रीट स्लैब. एक और हमने पिट बनाया हुआ है, देख रहे हो, जो कि 3 मीटर गहरा होता है और 1 मीटर चौड़ा होता है. फिर ये पानी इस टैंक में इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद एट लास्ट वो सॉइल में जाकर सीप कर लें. दिस कलेक्टेड रेन वाटर सीप्स इन टू द सॉइल, और इस प्रकार से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है और फिर इस ग्राउंड वाटर को हम ट्यूबवेल की सहायता से या फिर वेल की सहायता से हैंडपम्प की सहायता से हम इस पानी को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. सो चिल्ड्रेन, ये चैप्टर जो है आपका एंड हो चुका है और इसके साथ साथ आपका सिलेबस भी कम्प्लीट हो गया. I think you have understood this chapter. Listen it carefully and complete your copies.